हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुल और आज मैं कुछ अपने व्यूज़ वगैरह आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे कि कुछ अरसा पहले मैंने और मेरे साथ कुछ और लोगों ने मिलके हम लोगों ने एक एनिमल्स के लिए वेलफेयर स्टार्ट की। स्पेशली इट्स फॉर स्ट्रे एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स और मतलब जो भी स्ट्रे एनिमल्स जिनको ज़रूरत है हम लोग उनको रेस्क्यू करते हैं जहाँ तक हमें हो सके। हमारी जितनी हमारे अंदर हिम्मत है हम लोग जितना अपने तौर पे पॉसिबल हो हम उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं, कोई अगर बीमार हो तो उसको हम लोग जो है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये काफ़ी नहीं है, हम लोग इतने ज़्यादा नहीं हैं अभी। हम बहुत लाइक वी आर ओनली फ्यू मेम्बर्स, अराउंड 7 to 8 मेम्बर्स। तो डेफ़िनेटली मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए कि आप लोग भी आएँ और इस चीज़ का जो है पार्ट बने। आज जो मुझे ज़रूरत पड़ी इस वीडियो बनाने की वो ये इसलिए पड़ी क्योंकि अभी मैंने रिसेंट अपनी एक पोस्ट भी शेयर की है, उसके अंदर कुछ डॉग्स थे, कुछ डॉग्स दिखाए उनको। यहाँ पर ही फैसलाबाद में एक एरिया है, यहाँ पर बाबर चौक के पास, वहाँ पर किसी आदमी ने उनको जो है पॉइजनस फूड दिया या जो भी है जैसे भी है उनको खाना देके उन्हें मार दिया। मैं बकायदा आज कहीं भी उस आदमी से मैंने पूछा भी कि मतलब व्हाई ही डिड दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज लाइक कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बट डेफिनेटली मुझे वहाँ के कुछ लोगों ने बताया था कि ही इज़ द पर्सन जिसने ये सारा कुछ किया है। वहाँ पर कोई कब्रिस्तान है, वहाँ पर ही पर्सन वो आदमी होता है, उसने खैर जो भी किया। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, मैं सिर्फ उस एक स्पेसिफिक आदमी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं और भी बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूँ कि ये चीज़ बहुत कॉमन है। आप लोग के माइंड में एक चीज़ बैठ गई है कि एक आवारा कुत्ता है, स्ट्रे डॉग है तो वो आपको काटेगा ही। ऐसा नहीं है, वो पागल नहीं है जो आपको बिला वजह काटेगा। डेफिनेटली वो जानवर कभी भी जब भी आपको नुकसान पहुंचाता है वो डर के पहुंचाता है। आप जब तक उसे कुछ नहीं कहोगे वो आपको नहीं कहेगा। ठीक है, मैं मानती हूँ कि जो डॉग फियर है ये बहुत ज़्यादा होता है। आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मुझे डर लगता है डॉग से। इवन दो मेरे घर में एक पेट कुत्ता है उसके बावजूद मुझे बहुत डर लगता है, बट दैट डजेंट मीन कि मैं उसको जहर दे के मार दूँ। आप लोग भी, आप लोग अगर किसी को घर नहीं रख सकते, किसी को दो वक्त रोटी नहीं डाल सकते हो, तो आप एटलीस्ट खुदा का वास्ता है उनको जहर दे के मारना छोड़ दें। आप उनको नहीं कर सकते, आप जो हैं आप हम जैसे जिस तरह हमारी एक वेलफेयर है हमारी तरह और भी बहुत सारी वेलफेयर्स हैं। आप किसी को भी कह के आप बताओ, आप कंप्लेन कर दो कि यहाँ पे एक डॉग है हम उससे परेशान हैं, आप आके कुछ अगर कर सकते तो करें। डेफिनेटली उसके लिए कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा, बट दैट डजेंट मीन कि आप एक मासूम जानवर को, आप एक बेजुबान जानवर को जो है जहर दे के मारते हैं। एक माइंडसेट बन गया हुआ है कि कुत्ता जो है एक बहुत ही कह लें कि गलत जानवर है। लोग कहते हैं कि घर में कुत्ता रखने से फरिश्ते नहीं आते, सॉरी रहमत के फरिश्ते नहीं आते। ठीक है, माना कि आप जो है उसको पलीत मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि आप उसके साथ एक प्लेट में खाना खाना शुरू कर दें, लेकिन आप ख़ुद सोचें कि अल्लाह ताला, अगर बीइंग ए मुस्लिम अगर ये आप बात सोचें कि अल्लाह ताला ऐसी कोई मखलूक क्यों बनाएगा, ऐसा कोई जानवर क्यों बनाएगा जिससे बाद में लोग नफ़रत करें। अल्लाह ताला ने ऐसी कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाई है जिससे नफ़रत की जा सके। ठीक है, तो मतलब बी लॉजिकल। अगर मौत और जो सॉरी रहमत के फरिश्तों ने आपके घर आना है तो उन्होंने क्या मतलब एक जानवर को देख के वो नहीं आएंगे? आप अपने हिसाब से अहदीस को या कोई भी इस तरह की बात होती है उनको अपने मायने ना दिया करें। ठीक है, पहली बात तो ये कि जो रहमत के फरिश्तों ने आना है वो आपके घर में यानी कि आपके इस चार दीवारी के अंदर नहीं आना है, उन्होंने आपके दिल में आना है। आप इस घर में रहें, आप इस कमरे में रहें या आप किसी और घर में रहें, आपके जो आपका जो रिस्क है, जो आपकी जो आप पर रहमत होनी है आपको, वो कहीं भी हो जाएगी, वो कहीं भी आपको मिलेगा। आपका वो आपका डिपेंडेंट नहीं है, आपके घर पे डिपेंडेंट नहीं है आपका रिस्क या आपकी जो भी रहमत आपको मिलनी है, वो आपके अमल पर डिपेंड करता है। और ख़ुद सोचें कि एक अल्लाह की मखलूक, एक बेजुबान मखलूक जो है वो किस तरह से आपकी रहमत को रोक सकती है। प्लीज़ मतलब लॉजिकल होकर सोचें। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है, मैं एक बहुत जो है इस्लामिक पर्सन नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे इन सारी बातों का मोस्ट प्रॉब्ली आपको बहुत सारी मेरी बातें बुरी भी लग रही होंगी, लेकिन आप खुद थोड़ा सा अकल यूज़ करके थोड़ा लॉजिकल होकर इस बात को सोचें
कि आप एक हदीस को क्या रुख दे रहे हैं, ठीक है, आप उसको क्या मतलब दे रहे हैं, आप किस तरह से कि भाई वो जानवर आपको क्या इस तरह का क्या कह लेगा कि आपके ऊपर रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। हो सकता है उस हदीस का कोई और मतलब हो सकता है कि जब वो हदीस, जब वो मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कोई बात कही हो उस वक्त कोई और सिनेरियो हो, कोई और कुछ और तरीका होगा, कोई और बात होगी, ज़रूरी नहीं है कि यही बात है, ठीक है। और वैसे भी मैं नहीं कह रही आप उसको घर रख लें, मैं नहीं कह रही कि आप रास्ते में अगर आपको कुत्ता नज़र आया आप उसको उठा के घर ले आए, ना लेकर आए यार, एटलीस्ट ठीक है उसको कुछ ना दें, आप उसको रोटी ना दें, आप उसको पानी ना दें, एटलीस्ट उसे कुछ कहें नहीं, उसको मारे नहीं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहा, ना वो कोई कुत्ता आपका कुछ बिगाड़ रहा है, ना वो आवारा बाहर फिरने वाली बिल्लियाँ आपका कुछ बिगाड़ रही हैं। जिस तरह आपको यहाँ रहने का हक है, इस तरह तमाम जानवरों को भी रहने का हक है, आप किसी से यहाँ पर रहने का या जीने का हक छीन नहीं सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ स्ट्रे एनिमल्स को इस तरीके से मारना छोड़ दें, आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, हमसे कांटेक्ट करें, हमारे अलावा बहुत सारी वेलफेयर्स हैं उनसे कांटेक्ट करें, हम कुछ नहीं कर सकेंगे तो हम एटलीस्ट किसी और को कह देंगे कि उसके लिए कुछ ना कुछ करें। कोई वेलफेयर वाला पर्सन नहीं भी है तो बहुत से रैंडम लोग होते हैं जो जो उनको थोड़ा सा तर्स आ जाता है इन जानवरों पर। मैं यहाँ रहती हूँ, अलनूर गार्डन के पास रहती हूँ, तो यहाँ से गुजरते हुए अक्सर मैंने देखा एक गार्ड है यहाँ पीछे गली में, वो क्या करता है कि पपीज़ हैं कुछ वहाँ पर, वो रोज़ाना सामने एक दूध वाली दुकान से दूध लेके और साथ फ्रूट केक लेके या ब्रेड लेके उन पपीज़ को फीड करता है। अब वो कौन है, एक सिंपल सा गार्ड है, ठीक है, उसकी मेरे ख्याल में हम लोगों से तो बहुत कम सैलरी होगी, हम लोगों से बहुत कम कमाता होगा, लेकिन वो जितना भी कमाता है उसमें से इतना सा हिस्सा या इतना सा हिस्सा निकाल कर उन जानवरों को दे देता है। आपको क्या लगता है उन जानवरों को देने से उसका जो है उसकी रहमत में या उसके घर पे जो बरकत होनी है उसमें कोई कमी आ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल में वो इतना सा देने के बदले ना अल्लाह ताला उसको बहुत ढेर देते होंगे। और ये चीज़ मेरी आजमाई हुई है कि जितना हम लोग अपने, मैं और मेरे हस्बैंड मिलके हम अपना जितना पार्ट एक अपनी सैलरी का जितना पार्ट लगाते हैं इन जानवरों के ऊपर लगाते हैं ना, अल्लाह ताला हमें उससे ज़्यादा ही रिटर्न करता है। हमें आज तक किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो हमारा यही मानना है कि हमें इस किसी कमी इस वजह से नहीं हुई कि हम लोगों ने कभी जानवरों पर लगाने से पहले सोचा नहीं है, और अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तौफीक दी है कि हम लोग सोचते भी नहीं है लगाने से पहले कि हमारा पैसा कम पड़ जाएगा या हमारे मंथ के एंड पे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं होंगे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, और हमारा ये बहुत पक्का यकीन है कि कभी हमारे साथ ऐसा होगा भी नहीं। लेकिन बात फिर वही आती है, सॉरी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बात फिर वही है कि मैं ये नहीं कह रही कि उनको उठा के घर ले आए, लेकिन एटलीस्ट उन्हें कुछ कहें भी नहीं, वो आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, वो आपको नहीं खाटेंगे जब तक आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। सो प्लीज़ अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती, बट और ऑब्वियसली अगर मैंने कोई एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू अंदर थोड़ा सा ऐड किया है, आई एम सॉरी फॉर दैट टू, बिकॉज़ मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं इतना नहीं जानती उन सारों को, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि बीइंग अ मुस्लिम और कि मेरी नहीं ख्याल में अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ इस तरह से बनाई जिसके साथ नफरत की जाए, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा आप एक अनबायस्ड पर्सन होके ज़रा सोचिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का क्या मानना है इस बारे में। थैंक यू।